नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आप लोगों का गेमिंग भाई जी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, WCC3 का बेटा वर्जन रिलीज हो चुका है और बहुत सारे यूजर्स ने उसको खेलने के बाद अपने रिव्यू देने भी स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत सारी ऐसी कमेंट्स आ रही हैं जिसमें WCC3 से रिलेटेड कुछ बग्स के बारे में बात की जा रही है, और जो हाईलाइट में 4 बग्स आए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है लॉगिन इशू, दूसरा है कुछ यूजर्स को क्विक मैच में नेशनल एंथम नहीं मिल रहा है, तीसरा कुछ यूजर बोल रहे हैं कि उनका WCC3 गेम हैंग हो रहा है, और कई यूजर ये भी बोल रहे हैं कि उनका WCC3 गेम चल ही नहीं रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि इस परेशानी का सामना हम सबको करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेटा वर्जन है और बेटा वर्जन में बग होते हैं बहुत सारे, ये हम सब जानते हैं, और इन्हीं बग्स को दूर करने के लिए हम लोगों को बेटा वर्जन दिया जाता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप गूगल प्ले स्टोर पर WCC3 के पेज पर जाएं और वहां पर फीडबैक का ऑप्शन है, फीडबैक टू डेवलपर, उसमें जाकर अपना फीडबैक दे दें। यानी आप लोगों को WCC3 में जो भी परेशानी नजर आए, आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पर WCC3 के पेज में जाएं और उस परेशानी को डेवलपर के फीडबैक में डाल दें, ताकि डेवलपर उस पर काम कर सके और उस परेशानी को दूर कर सके। बेटा वर्जन में हम लोगों को मिलेंगी, और इन्हीं के कारण बेटा वर्जन बनाया जाता है, ताकि इन परेशानियों से पार पाया जा सके। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों, 4 ऐसे पॉइंट्स पर बात करेंगे जिनके बारे में बहुत बातें की जा रही थी, और वो मिले भी हैं, लेकिन कैसे मिले हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे जाकर लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, WCC3 का बेटा वर्जन रिलीज होने से पहले ही हम लोगों को इस बात का पता चल गया था कि WCC3 में हम लोगों को ब्रांड न्यू कंट्रोल मिलने वाले हैं, और हम लोगों को WCC3 में ब्रांड न्यू कंट्रोल मिले भी हैं। लेकिन एक बात कहते हैं ना कि अति हर जगह पर दुखी करती है, और वही काम WCC3 के साथ हुआ है। WCC3 ने गेम को काफ़ी मैनुअल बनाने की कोशिश की है, और इसके कारण जो उन्होंने कंट्रोल दिए हैं वो बिल्कुल ही नए प्रकार के हैं, जो काफ़ी पेचीदा लगते हैं जब हम खेलते हैं। कंट्रोल नए हैं और हम लोगों ने आज तक खेले नहीं हैं, तो इस कारण हम लोगों को अभी कंट्रोल समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इस कारण हम लोगों का जो मन है गेम खेलने को नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, एक बार यदि आप लोगों को कंट्रोल समझ में आ गए, तो कसम से उस समय के बाद से आप लोगों को गेम खेलने में काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि गेम के सारे कंट्रोल आपके हाथ में है, चाहे फील्डिंग हो, बॉलिंग हो या फिर बैटिंग हो, और एकदम रियलिस्टिक सा एक्सपीरियंस हम लोगों को गेम खेलते समय इन कंट्रोल के कारण मिलता है। और इसके साथ दोस्तों, WCC3 ने हम लोगों को अपने कंट्रोल ऑप्शन में एक बात और बता रखी है कि आने वाले फुल वर्जन में हम लोगों को क्लासिकल कंट्रोल भी मिल जाएगा, यानी सेम वैसा ही कंट्रोल जो हम WCC3 में खेल पाते हैं। लेकिन दोस्तों, WCC3 में मुझे एक पॉइंट ने काफ़ी डिसपॉइंटेड किया है। यदि आप लोगों ने नोटिस किया हो, तो जब फील्डर थ्रो फेंकता है तो थ्रो की स्पीड बहुत ही स्लो होती है, और तब तक बैट्समैन 2 रन आसानी से पूरा कर लेते हैं। यानी कि एक ऐसा चीज़ है जो आने वाले फुल वर्जन में हम लोगों को थोड़ी सी अपडेट में चाहिए, यानी कि जो गति है थ्रो फेंकने की वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि रन आउट के चांसेस बन सकें। दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों, ग्राफिक्स। दोस्तों, हालांकि WCC3 में ग्राफिक्स पर थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन यदि आप लोग देखोगे तो इस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हालांकि बेटा वर्जन में हम लोगों को अब तक केवल HD ग्राफिक्स ही मिले हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में जब फुल वर्जन हम लोगों को मिलेगा, तो उसमें हम लोगों को Ultra HD ग्राफिक्स मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, कल मैंने जब WCC3 को डाउनलोड करके पहली बार खेला, तो मेरे को वैसी फीलिंग आई जैसे मैं सचिन सागा क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्योंकि दोनों के ग्राफिक्स में बहुत सारी सिमिलरिटी हैं। यदि आप लोगों को भी ऐसा लगा है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही और कोई भी परेशानी आप लोगों ने WCC3 में फेस करी है, वो भी मेरे को कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बता दें, और साथ में वीडियो भी लाइक करें। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है कॉमेंट्री। कॉमेंट्री के बारे में WCC3 रिलीज होने से पहले ही बहुत सारी बातें स्टार्ट हो गई थी। सबसे बड़ा मुद्दा यही था, क्या हम लोगों को कमेंट्री WCC3 में फ्री मिलेगी या नहीं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी तो हमारे लिए यही है कि WCC3 में हम लोगों को रियल वॉइस कमेंट्री मिल रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, वो भी बिल्कुल फ्री। और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि रियल क्रिकेट में ऐसा होता तो शायद हम लोगों को परचेज करना पड़ सकता था, लेकिन WCC3 में ऐसा हुआ नहीं है। हम लोगों को बताया गया था कि WCC3 में कमेंट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा, लेकिन कमेंट्री में AI का उतना शानदार प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। अब भी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सिचुएशन के हिसाब से नहीं बोले जाते। कई बार चौका लगता है तो छक्का बताया जाता है, और कई बार आउट होता है तो चौका बताया जाता है। यानी ऐसे थोड़े बहुत बग्स हम लोगों को कमेंट्री में भी देखने को मिल जाते हैं।
दोस्तों चौथे नंबर पर आता है कैरियर मोड। दोस्तों वैसे तो कैरियर मोड हम लोगों को फ़िलहाल खेलने के लिए नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मैंने इसको वीडियो में ऐड किया है क्योंकि बहुत सारे वीडियो पर ऐसे कमेंट मेरे को मिले जिसमें पूछा जा रहा था कि WCC3 में हम लोगों को कैरियर मोड लो क्यों मिल रहा है, और बहुत सारी ऐसी डिमांड आ रही थी कि आप WCC3 में कैरियर मोड को अनलॉक करने का एक वीडियो बनाओ। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि WCC3 में हम लोगों को जब तक बेटा वर्जन नहीं मिलता तब तक हम लोगों को कैरियर मोड खेलने के लिए नहीं मिलेगा। और जब आप WCC3 के बेटा वर्जन में कैरियर मोड पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों को ये लिखा भी मिलता है कि दिस फीचर नॉट अवेलेबल फॉर बेटा वर्जन, यानी कि जब WCC3 का फुल वर्जन रिलीज होगा तो हम लोगों को कैरियर मोड खेलने के लिए मिलेगा। फिलहाल हम लोगों को केवल क्विक मैच ही खेलने के लिए मिल रहे हैं। क्विक प्ले के अलावा दोस्तों फिलहाल हम लोगों को लीग ऑफ चैंप्स भी खेलने के लिए मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों जितने भी फीचर दिए गए हैं नेक्स्ट मल्टीमीडिया के WCC3 में वो हम लोगों को WCC3 के फुल वर्जन में ही खेलने को मिलेंगे। यानी कि फिलहाल हम ऐसी कोई वीडियो नहीं बना सकते जिसमें हम आप लोगों को बता सकें कि आप WCC3 में कैरियर मोड किस प्रकार खेल पाएंगे। इससे रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी अब तक किसी के पास नहीं आई है, और जितनी भी वीडियो आप लोगों के सामने कैरियर मोड से रिलेटेड आई है वो सभी फेक हैं, किसी के पास भी कोई स्टीक इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही आपके मन में या फिर आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आई हो जो आप लोगों ने WCC3 में फेस करी हो और उसके बारे में अब तक किसी ने भी वीडियो बनाकर डिस्कशन ना किया हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। या उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने भी ये सब परेशानियाँ WCC3 में फेस करी होंगी। यदि फेस करी है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और WCC3 के पेज पर जाकर नेक्स्टवे मल्टीमीडिया को फीडबैक दें ताकि वो इस बग को दूर कर सकें और WCC3 को बग फ्री बना सकें। लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे जाकर लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को हमारी आने वाली नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।